उपन्यास सैलाब। आज सुनते हैं भाग 10, प्रकाशन 2017, लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। हमने पिछली कड़ी में रमेश और सतयुग की घनिष्ठता को समझा और दादी की परेशानी भी समझी। सतयुग के शादी को लेकर उसकी चिंता भी हमने जाना। आज सुनते हैं आगे की कड़ी। कुछ साल बीत गए और पावनी की शादी रामू से हो गई। पावनी एक संयुक्त परिवार की बहू बन गई। जब तक नौकरी करती थी तब तक सतायु को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जैसे ही उसे नौकरी छोड़नी पड़ी सतायु की पढ़ाई के लिए खर्च उसे रामू ने दिए। यह बात सतायु को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अपनी खुददारी के कारण सतायु को राम से फीस भरवाना नागवार था। पावनी फिर भी अपनी थी, जिसे वह माँ जैसा प्यार करता था, इसलिए पावनी का रामू से पैसा लेना सतायु को अच्छा नहीं लगता था। सतायु जैसा होनहार बच्चा गम के साए में हारा हुआ और अकेला पड़ने लगा। वैसे भी वह सापित जिंदगी जी रहा था। अब पावनी के ऊपर उसका बोझ बढ़ते देख खुद पावनी से अलग होने की सोचने लगा। वह फिर से उन गलियों में लौट आया जिस गली में उसने जन्म लिया था और माँ बाबा के साए बड़ा हुआ। उसी गैस हादसे में बेबे ने भी अपना परिवार खो चुकी थी। उसके जवान बेटे को खोकर अकेली जी रही थी। दुखी को दुखी ही सहारा दे सकता है, और इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे में अपना जीने का सहारा ढूंढ लिया। पावनी सतायु को बेबे की सहारे छोड़ आश्वस्त होकर ससुराल लौट गई। वह हर महीने कुछ रुपए भेज दिया करती थी और जब भी वक्त मिले सतायु से मिलने चली आती थी। यहाँ तक आपने सतायु की कहानी सुना, और आगे हम पावनी की जिंदगी को जानेंगे। हर स्त्री के अंदर एक सैलाब छिपा होता है, जो कभी ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है या तो अंदर ही अंदर स्त्री को सकुचा देता है। जिनके अंदर हिम्मत होती है वो किसी भी हालात में इस बवंडर से खुद को बाहर निकालने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां संस्कार और कुटुंब की मर्यादा के बीच पीस कर रह जाती हैं और इस दवानल को अंदर ही दबाकर घुट घुट कर जीती हैं। अक्सर ये ज्वालामुखी समय के दबाव में फट जाता है और स्त्री का जीवन इस दबाव में आकर झुलस कर रह जाता है। वे कभी परिवार की भलाई के लिए तो कभी सभ्यता और संस्कृति के नाम पर इस जहर को अपने अंदर छुपा कर रखती हैं। हमेशा स्त्रियों को ही क्यों संस्कृति और सभ्यता की नोक पर खड़ा कर दिया जाता है? क्या पुरुष के लिए ये सभ्यता संस्कृति लागू नहीं होती? पावनी लिखते लिखते रुक गई, कलम को दांत के बीच दबाकर सोच में पड़ गई।
क्यों होता है ऐसा कि स्त्री जब भी खुद को एक मुकाम पर खड़ा करने के लिए आगे बढ़ती है तब तब उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरी जीवन की भी मेरे जीवन की भी ऐसी ही एक कहानी है जो हर पल खुद को साबित करने का प्रयास करते करते आज 45 सावन बीत चुके हैं। जब अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो क्या देखती हूँ, सिर्फ एक वीरान सी जिंदगी। जिस जीवन में ऐसे कई मोड़ आकर गुजर गए हैं जिन्हें मैं केवल एक दर्शक की तरह चुपचाप देखने के अलावा कुछ न कर सकी, पर अब कुछ करना है। मैं जीवन में एक गुमनाम मात मरना नहीं चाहती जो सिर्फ एक अंधकार से प्रारंभ होकर किसी अंधकार में खो जाए। पावनी भी उन लोगों की तरह है जो एक मध्यवर्गीय कुटुंब में जन्म लेती हैं और वहीं दम तोड़ देती हैं। बिना किसी पहचान के एक बेनामी मौत जिसके जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ परिवार के कुछ सदस्यों के अलावा। मरना तो हर किसी को है, मगर ऐसे मरने का क्या फायदा जब कोई उसकी कमी महसूस ही ना करे। ऐसे मरना पावनी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। कुछ तो करना है जिससे मरने से पहले उसे कुछ समाज को मिले, ताकि मेरे जाने के बाद भी लोग याद करते रहे। इसके लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना भी कोई आसान कार्य नहीं है। पावनी अपने अंदर के दर्द और खोखलेपन को शब्दों से कागज़ पर उकेर रही थी। लेखिका का जीवन ऐसा है कि गुजरे पलों में वह खुद को ढूंढती रह जाती है। जिन पलों में वह खुद को महसूसती है, खुद को तराशती भी है, तो सिर्फ खुद को समझने के लिए। अंतर्मन भी कभी अपने सामने खड़े होकर बात करने लगता है, जैसे आईने में अपनी प्रतिछवि, मुझसा ही एक और प्रतिबिंब। पावनी एक साधारण कुटुंब की स्त्री, एक पत्नी और एक माँ बनकर जीवन जिया है। पावनी अपने कुटुंब, परिवार, पति और बच्चों में ही अपना अस्तित्व खोजते आई है। एक साधारण स्त्री साड़ी में लिपटी हुई, बच्चों को गले लगाकर उनकी परवरिश में स्नेह और सुख देने में ही उसने कई साल गुजार दिए। सिर्फ देने के अलावा कुछ नहीं चाहा उसने। लेकिन कभी कभी अपनों की बातें जब भी दिल को घायल करती है, तब एहसास होती है कि एक बेटी, पत्नी, माँ होने के बावजूद खुद की एक और पहचान होना कितना आवश्यक है। संयुक्त परिवार में रहते सुबह से लेकर शाम तक घर संभालना, सास की जलीकटी सुनना, हृदय रोग से ग्रसित ससुर जी की सेवा में दिन गुजर जाता। देवर सृजन की भी हर छोटी छोटी जरूरतें और उसका हर तरह का नखरा भी पावनी को बर्दाश्त करना पड़ता। शादी से पहले एक अच्छी इज्जत भरी जिंदगी जीने वाली पावनी परिवार को खो चुके सतायु की देखभाल में कई साल गुजारने के बाद राम के प्यार भरे हाथों को थामकर उस घर में गृह प्रवेश किया। राम का बेशुमार प्यार उसे जन्नत का एहसास देता था। उसी का प्यार ही तो था
जिससे वह बहुत खुश थी। अनेक आशाओं के साथ उसने नई जिंदगी में कदम रखा था। उसके ससुर रघुनाथ जी के काम से अवकाश प्राप्त होने के बाद सास माधवी और देवर सृजन, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बेटे राम के पास रहने आ गए। राम का पूरा परिवार एक साथ रहना स्वाभाविक था, लेकिन उसके बाद जैसे पावनी के जीवन में तूफान मच गया। एक तरफ रघुनाथ जी की दिल की बीमारी, साथ ही माधवी की चुभती बातें बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। घर में उनके प्रवेश करते ही घर की चाबी माधवी के हाथ चली गई। फिर घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। सोहम और सेजल के बाद पावनी को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। सतायु के लिए एक एक पैसा जोड़ना उसे बहुत मुश्किल होने लगा। राम पावनी का दुख समझते हुए कुछ पैसे चुपके से दे देता, लेकिन सतायु का पावनी के साथ रहना उसकी सास माधवी को चुभने लगा। तब सतायु ने मौसी के घर छोड़ भोपाल में अपने घर में जाने का फैसला लिया, जिससे उसे राहत मिली। माधवी बहुत सक्की स्वभाव की औरत थी। राम का पावनी के प्रति प्यार को वे राम और उनके बीच दूरी का कारण समझती थी। इसका इल्ज़ाम भी पावनी पर ही था, इसलिए वो कभी पावनी को दिल से अपना न सकी। राम का प्रेम विवाह उन्हें फूटी आंख नहीं भाता था। बेटे के घर कदम रखते ही घर का सारा बोझ अपने कांधों पर ले लिया था। राम घर में जो भी कुछ चीज़ें लाता, माधवी उन्हें अलमारी में बंद करके रखती। एक एक चीज़ के लिए सासू माँ के सामने हाथ फैलाना पावनी के लिए दुर्भर हो गया था। यहाँ तक कि बच्चों के लिए कुछ खरीदना हो तो भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। सब्जी से लेकर फल फूल तक के लिए भी उनकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। स्वतः खुददारी के साथ जीने वाली पावनी शिक्षिका भी रह चुकी थी, लेकिन सास के रहते ना उसे नौकरी की इजाज़त मिली, ना घर चलाने की स्वतंत्रता। एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। माधवी अपने बच्चों से प्यार तो करती थी, लेकिन बेटे की बहू के साथ नज़दीकियाँ उन्हें बर्दाश्त ना होती थी। सबकी नज़रें अपने ऊपर केंद्रित रखने के लिए वह हर छोटी छोटी बातों पर हंगामा मचा देती थी। बहू पावनी की स्वतंत्रता तो छीनी गई थी, साथ ही पति का माँ को कुछ ना कह पाना उसे तोड़ कर रख देता था। राम अपने माँ की आदतों को समझते थे, पर उनका दिल नहीं दुखा सकते थे। अतः हर बात पर पावनी को ही बुरा भला सुनना पड़ता और हर पल समझौता करना पड़ता था।